जब क्या खाएंगे सब लोग। तो अभी मैं हूँ करोड़बाग में एंड वी आर एट सिंधी कॉर्नर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मूंगलेट और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं सिंधी कॉर्नर पे। तो अभी अब अंदर चलते हैं और मेकिंग दिखाता हूँ मैं आपको। आ चुके हैं सिंधी कॉर्नर पे करोलबाग में और यहाँ की बहुत ही फेमस एकदम क्रिस्पी वाली टिक्की खाने वाले हैं। हर शेप की टिक्की अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकदम मस्त लग रही है। और अब खाना चालू करते हैं यहाँ की एकदम स्पेशल वाली टिक्की। हर शेप की टिक्की है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हर शेप की रखी पूरी। लोगों के यहाँ की चटनी बहुत पसंद है। तो अब हम मास्क नीचे करते हैं कुछ देर के लिए। क्रिस्पी हो रखी है और इसके साथ अब हम थोड़ा हमने इसके साथ थोड़ी सी चटनी लेंगे एंड दिस बाइट गोज। मीठी चटनी है जो टिक्की इतना क्रंच आ रहा है, टिक्की का अच्छा खासा एकदम क्रिस्पी टिक्की है एंड अच्छे से गर्म हो रखी है। अभी भी फ्रेश फ्रेश निकालते जाते हैं लोग। प्याज का भी क्रंच आ रहा है चटनी में अच्छा खासा। थोड़े बहुत मसाले लग रहे हैं मेरे को अंदर, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कुछ मसाले हैं एंड मेरे को दाल दिख रही है कोई एंड मटर भी है इसके अंदर। और एक बाइट लेते हैं। मैश डाल हुआ है और साथ में अंदर थोड़ी बहुत स्टफिंग कर रखी है और हर्ट शेप में इसको बना के एकदम फ्राई कर देते हैं। करोलबाग में अगर आप आते रहते हो आपने ज़रूर ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ एंड चलते अपनी सेकंड प्लेस पे, जगह पे शेक पियेंगे हम। एंड जब भी मैं आता हूँ इधर मैं वो शेक ज़रूर पीता हूँ, तो अभी आपको भी वो शेक पिलाते हैं हम लोग। अभी चलते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ से अपना शेक और थोड़ा शूट करते करते हमें टाइम हो गया तो थोड़ा शेक आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ का शेक उठाते हैं। यहाँ का चॉकलेट शेक है जिसका प्राइस 50 रुपीज़ है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को क्योंकि ये लोडेड हो रखा है एकदम। और अब हम मास्क नीचे करते हैं एंड टेस्ट करते हैं यहाँ के शेक को। तो पहले मैं थोड़ी सी स्टॉक में से शेक पीऊँगा। एकदम थिक हो रखा है एंड आइसक्रीम अच्छी खासी क्वान्टिटी में डाली हुई है। ऊपर से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आइसक्रीम अच्छी खासी क्वांटिटी में है एंड ऊपर से भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आइसक्रीम है और नट्स भी अच्छे से डले हुए हैं और शेक एकदम थिक हो रखा है अंदर से, मतलब आइसक्रीम की कोई कमी नहीं छोड़ी, एकदम क्रीमी क्रीमी सा शेक है और नट्स एकदम। मैं और एक सिप लेता हूँ इस शेक की। नीचे से टूटी फ्रूटी डाल रखा है एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैश्यू भी है इधर, कैश्यू एंड किशमिश भी है ऊपर से। आइसक्रीम में थोड़ी सी मिक्स कर लूँ ताकि थोड़ा और क्रीमी हो जाए शेक। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ का एकदम मतलब एकदम 50 रुपीज़ में एकदम बढ़िया सा शेक ट्राई कर सकते हैं। और ये दुकान फेमस छोले कुलचे के पास ही है, गणेश छोले कुलचे के पास ही है, एकदम बैक साइड में है। तो गोपाल मार्केट के पास है, तो आप यहाँ से ज़रूर ट्राई किए यहाँ के शेक। और ऊपर से डिज़ाइन भी बना हुआ है साइड की ग्लास में एंड क्वांटिटी एकदम अच्छी खासी 50 रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप किसी कैफे में जाएँ तो मेरे को नहीं लगता इतना आपको 50 रुपीज़ में भी मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये तो रिकमेंडेड है और आप यहाँ पे आके यहाँ पे शेक ट्राई कर सकते हैं, एकदम बड़ा सा शेक है। एंड आज आपने देखी करोलबाग की कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आप एकदम अमेजिंग सा फूड ट्राई कर सकते हैं। और ये पीछे करोलबाग ही है सब। लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और फूडी जो बंदा होता है ना हमेशा वेजिटेरियन हो तो अलग ही होता है, तो स्टे वेजिटेरियन।